साथ हॉस्पिटल में थी, वहां पे मुझे ना स्विच इंग्लिश चाहिए था, ग्रो तो करने मैंने काम में ना नहीं उसको, छोड़ना हाँ है। जी मेरा बस मैं चाहती हूँ कि लोगों की जिंदगियां बेहतर हो जाए। आप गूगल की रैंकिंग देखें, पाकिस्तान की इंटरनेशनल रैंकिंग देखें, यूथ की रैंकिंग के हिसाब से 133 में से सिर्फ 3 लोग इंग्लिश बोलना जानते हैं। पूरे 133 लोग में से सिर्फ 3 लोगों को आती है इंग्लिश। कितनी बड़ी बेइज्जती है इंटरनेशनल फोरम पे हमारे पाकिस्तान की, ये हमें आती नहीं है। जी ना कंवल, मतलब हमारे लिटरली आज से आप अपना नाम चेंज कर लें, मतलब आप हीना इंग्लिश वाली रख लें। बस ये जो हीना कंवल इंग्लिश गुरु है, ये इतना मजे का नहीं है। हीना इंग्लिश वाली, ठीक है? तो उसके बाद हीना अपने नहीं, साथ नहीं, कितने इंग्लिश वाले पैदा करती है या कितनी इंग्लिश वालियां पैदा करती है फिर पता लगेगा। और अपना एक टारगेट सेट कर लें। जैसे आपने इतनी बड़ी बात कही, जैसे मुझे एक गैप का पता लगा कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए लोगों के घरों में अगर रोजगार करवा दिया जाए तो उनकी गुर्बत खत्म हो सकती है, ये एक टारगेट था। उसके लिए फिर क्या हुआ, मैंने लोगों के घरों में फैक्ट्रियां लगवाना शुरू की। अभी तक 77 लोगों को फैक्ट्रियां लगवा के दी। इसी तरीके से आप भी अपना एक टारगेट हाँ सेट करें कि हीना ने करना क्या है। हीना को इंग्लिश आती है, हीना को जो कुछ आता है। फिलहाल जैसे हीना ने सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम सामने ला के खड़ा कर दिया कि जो सिर्फ 3 लोग इंग्लिश बोलना जानते हैं 100 में से, शायद आपने वो कहा है। तो ये बहुत एक छोटा ग्राफ है, इसको हमें लेके जाना चाहिए। यूं कह ले कि 100% पे होना चाहिए, इसको 100% पे हीना करेगी। जिस तरह से हीना को लोग सुन रहे हैं, जिस तरह से अभी रात का टाइम अगर आप देख लेना तो 1:30 बजे हुए ही ना, टाइम देख ले। और आपके सामने मैं लोगों के क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो मैं नहीं हाँ शो कर जी रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं जो शो कर रहा हूँ। अभी आपको इस टाइम पे भी लोग इतना बैठ के सुन रहे हैं, तो इसका मतलब जी यह है कि हीना से लोग सीखना चाहते हैं। मैं इंटरव्यू को आधे घंटे पे खत्म कर सकता था और शायद खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन मैं इसको क्यों इतना बढ़ा रहा हूँ, क्यों लोग बैठ के जी सुन रहे हैं, ठीक है? अभी भी इस टाइम पे भी मतलब जी 50-60 लोग ऑनलाइन जो डायरेक्ट आपको देख रहे हैं, आपको लाइक दे रहे हैं, आपको डायरेक्टली सुन रहे हैं। तो इसीलिए मैं इस प्रोग्राम को खत्म नहीं कर रहा हूँ, बल्कि लोगों को सुना रहा हूँ कि हीना इंग्लिश वाली क्या चीज है। तो हीना ने इंग्लिश वाले पैदा करने हैं, पहला इंग्लिश वाला पैदा कर रही है हीना रिजवान को इंग्लिश सिखा के। तो इंशाल्लाह रिजवान ने आज से तहैया कर लिया है कि वो इंग्लिश सीखेगा नहीं, बोलेगा, ठीक है? और ये हीना इंग्लिश इंशाल्लाह बोलना है, वाली, बोलना है। और ये हीना इंग्लिश वाली की मेहनत है। और हीना को उसके बदले में मेरी वाइफ मेकअप सिखाएगी, वो भी एक, चलो डन हो गया। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू हमारा चल रहा है। तो जरूर आप लोगों को इस तरह की मजीद जो बातें आप करना चाहती हैं जरूर करें। लोग सुन रहे हैं आपको और सुनना चाहते हैं, वो चीजें सुनना चाहते हैं जो अभी तक आपने नहीं बोली है। आपको टारगेट सेट करना है, आप वो टारगेट लोगों को हीना का जी बताएं। हीना करेगी क्या, हीना लोगों को इंग्लिश किस तरीके से लोगों के अंदर इंग्लिश डालेगी। हर चीज पैसे से नहीं आती हीना, एक बात याद रख ले। आप अगर फ्री में भी इंग्लिश सिखाना शुरू कर देंगी, दौलत इतनी आपके पास आ जाएगी कि आपको इकट्ठी नहीं करनी आएगी, आप इकट्ठी नहीं कर सकेंगी, ये मेरा दावा है। कहीं लिख लें इस बात को मोटे मार्कर से, पैसे से कोई भी चीज नहीं आती। पैसा बाद में आता है, जब आप ये इलम बांटना शुरू कर दें तो दौलत, सबसे बड़ी दौलत जो होती है वो इलम होती है। जो बंदा इलम की दौलत बांटना शुरू करता है, उसके जी पास इज्जत की दौलत भी आ जाती है, पैसे की दौलत भी आ जाती है, शोहरत की दौलत भी आ जाती है, हर तरह की दौलत आ जाती है, ठीक है? इसलिए मेरा मैसेज तो मेरा मैसेज नहीं, आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इलम को बांटना शुरू करें। आपके अंदर उबाल खा रहे इलम, आपको अंदाजा नहीं है कि आपके अंदर क्या चीज है, वो कितने मतलब अंदर किस तरीके से ठांठे मार रहा है, ठीक है? उसको मैं देख रहा हूँ। मैं इतना जो खामोशी से, मैं खुद एक बोलने वाला बंदा हूं और इतना खामोशी से सिर्फ आपको सुने जा रहा हूँ, सुने जा रहा हूँ। उसकी वजह है कि वो जो ठाठे मारता समंदर है, उसकी वो जो झाग है शायद हमारे ऊपर भी पड़ जाए, ठीक है? उसके छींटे हमारे ऊपर भी पड़ जाए, हमें भी फायदा हो जाए। ये जिस तरह से लोग सुन रहे हैं उनको भी फायदा हो जाए, तो ये फायदा आपने लोगों को पहुंचाना है। रेहान फाउंडेशन का हिस्सा बनना कोई मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ लोगों को सिखाना शुरू करें, रेहान साहब आपको खुद अपना हिस्सा बना लेंगे। जी जी बिल्कुल। और आपको पता है कि
करके मुझे नहीं पता है। बैठी हूँ। हाँ नहीं, मैंने आपको बताया तो ये लॉकडाउन की वजह से मुझे चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, वरना मैं गुलशन में अपनी हिना एकेडमी ऑन करने वाली हूँ, स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन लॉकडाउन ये आगे प्रोलॉन्ग होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, लॉकडाउन खत्म ही नहीं हो रहा है। अब हम मेरे लैपटॉप में कुछ मसले हैं ना, जिसकी वजह से मैं स्ट्रीम यार्ड पे नहीं जा सकती। अब बस थोड़े मसले हैं, अब हम रोजाना का काम है, अब मैं कब तक अपने दोस्तों से ये चीजें मांगू, लैपटॉप वगैरह। अब एक बंदा भी उकता जाता है, मुझे वेबकैम लेना है, वेबकैम के लिए भी दुकानें नहीं खुली भी। अब मेरी ऑफिस की टाइमिंग वही होती है, अब मैं शॉप पे जाऊं या ऑफिस कर रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पैसों की नीड नहीं है, बट ये है ना, फ्री में जब इंसान देता है ना तालीम, सामने वाला लेता नहीं है। फ्री में यूट्यूब पे हजारों पड़े हुए हैं, चले जाओ, हिना की क्या जरूरत है। मैंने भी यूट्यूब से सीखा, मैंने हीना से लोग लेना चाहते हैं, लेकिन ओके देने का हिना, तरीका चेंज होता है। जी, हाँ जी, मैं जब देने का देने तरीका मैं चेंज बस करना है बस। वो मैं अपना पेज वगैरह बनाऊंगी, अभी वेबसाइट भी हमारी वर्किंग में है इंशाल्लाह। तो ये सारी चीजें है ना, एक पूरे मैं चाहती हूँ मेरा काम बेस्ट हो। बेस्ट तब होगा वो जब सारी चीजें मौजूद होंगी। मैं चलाओ काम नहीं चाहती, मैं चाहूँ पेपर पेन लेके बैठ जाऊँ, मोबाइल मेरे पास है, वीडियो बनाओ अपलोड कर दूँ। बेकार है इंसान जो एक व्हाइट बोर्ड होता है, उस पे जब मैं कैमरे के सामने खड़ी होंगी, मैं उसमें एग्जाम्पल दूंगी, भाई ऑब्जेक्ट ये होता है, वर्ब ये होता है, सब्जेक्ट वर्ब बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो जब मैं एग्जाम्पल दूंगी व्हाइट बोर्ड के साथ, दो तीन कलर के मार्कर्स होंगे, डिफरेंट कलर्स होंगे, प्रेजेंटेशन होगी, फिर आएगा मजा। हर चीज ऐसे ही पका मुंह में डालूंगी, गरम गरम मुंह जल जाएगा भाई आपका। सबर करें, होले होले ठंडा ठंडा खा के खाते हैं। अभी रमजान का महीना है, इबादतों को अल्लाह को मनाते हैं। थोड़ा सा अभी मैं अपने ऑफिस का काम निपटा लूं, थोड़ा वहां से पैसे आ जाए, वहां से पैसे आएंगे तो अपने काम में लगाऊंगी ना। मैं तो गरीब सी बंदी हूँ, मैं कहाँ से कहीं से करूंगी। मैं तो भाई ऐसी गरीब हूँ, मैं तो इमरान खान की फॉलोवर हूँ। जैसे हमारे इमरान खान सबसे इमदाद मांग रहे होते हैं, इसी तरह मैं भी सबसे पैसे मांग रही होती हूँ। सॉरी बट दैट्स अ फैक्ट। लाइक इंसान को जब भी मैदान में उतर, पूरे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जज्बात में आके काम कर लो, नो नेवर। मैं हमेशा प्लानिंग के साथ अब वर्क करती हूँ, पहले हुआ करती थी मैं जज्बाती, लेकिन मुझे मेरे बिजनेस पार्टनर ने बहुत कुछ सिखा दिया, और इंशाल्लाह वो मेरे लाइफ पार्टनर भी है। तो उसने मुझे बहुत हौसला दिया, बिजनेस की ट्रेनिंग दी। ही इज अ चाइनीज गुरु बाय द वे, सो आई एम इंग्लिश गुरु। और पता नहीं उसे मेरी इंग्लिश समझ नहीं आती, मुझे उसकी चाइनीज समझ नहीं आती, हमारी भी एक अलग ही कहानी है। तो इनशाला आने वाले वक्तों में हम तीन इंटरव्यूज का हमने कंडीशन रखी है, इनशाला तीन के बाद आप में ऐसा फर्क नजर आएगा। हम टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे, पहला टॉपिक इंशाल्लाह हम रखेंगे लॉकडाउन, ठीक है, फिर उसके ठीक है, बाद रखेंगे जरूर। आपका बिजनेस, ठीक है। आपको बिजनेस क्या पे ज्यादा, आप नहीं, आपको पहले बिजनेस का टॉपिक लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आप पहले दिन हमें इंटरव्यूज में अपनी सारी बोलेंगे, मैं सुनूंगी, मैं सवाल करूंगी आपसे, ठीक है ना। ठीक आप है, बिल्कुल सारी सही चीजें है। बिजनेस के बारे में बताएंगे, फिर आप क्या, आप समझ कौन नहीं आई है, आवाज, आवाज नहीं आई आप आपकी, क्या पंजाबी काम है? हैं लाहौर के का? मैं खानेवाल का आवाज नहीं आ हूँ, रही, और खानेवाल से हूँ, राजपूत हूँ। मिलती जुलती जुबान उर्दू से, जो रंगड़ी जुबान है वो हमारी जुबान है। ठीक है। दूसरे दिन आप अपने बारे में बताएंगे, नहीं पहले दिन आप, आपका इंट्रोडक्शन होगा, सिर्फ आप अपने बारे में बताएंगे सारा कुछ इंग्लिश में, कि आपने क्या किया, आप छोटे थे, आप क्या करते थे, आप बड़े हुए क्या करते थे। पहले दिन आपका ये होगा, दूसरे दिन आपका ये होगा कि आप अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, तीसरे दिन तो भाई आप तो चीते हो जाएंगे, तीसरे दिन आप होस्ट बन जाएंगे और मैं गेस्ट होंगी, आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। पहले दो नहीं तीनों दिन मैं होस्ट रहूंगी और आप गेस्ट होंगे, आप सिर्फ मेरे सवालों के जवाब देंगे इंग्लिश में, और बस ये है। जब आप ज्यादा बोलने लग जाएंगे ना, आप में कॉन्फिडेंस का वो खत्म हो जाएगा, और फिर ये है कि आपके अंदर जो सोई हुई इंग्लिश है ना वो जाग जाएगी। और माशाल्लाह से आपको अरबिक जबान आती है जो मुझे नहीं आती, आपको खाने वाल की आपकी जबान आती है जो मुझे नहीं आती, मुझे टूटी फूटी उर्दू आती है। तो कभी भी हमें ना कॉम्प्लेक्स में नहीं होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, नहीं, आपको अरबिक जबान आती है, मुझे नहीं आती। मैंने कभी कॉम्प्लेक्स लिया नहीं, मैंने ये कहा कि मैं आपसे सीखूंगी, ठीक है ना। मैंने क्या कहा सर,
आप मुझे मुश्किल वक्त आ गया आपके। आवाज तो नहीं आई। नहीं आवाज नहीं आई, तस्वीर आ गई है। झंडा भी पीछे रखा, शुक्र नहीं, सबकी माँ ऐसी होती है, और माओ का सबसे बड़ा रोल ही यही होता है कि जब तक वो डंडा ना करे तब तक हम काम नहीं करते। और जैसे आपने कहा ना कि मतलब सर पे डंडा, और ये वो, ये अच्छी चीजें हैं। बाकी आपका जो स्टाइल है, इस स्टाइल में आप किसी को भी बात करेंगे, किसी को भी समझाएंगे, समझ आ जाएगी। बात ये है, क्योंकि ये वो रिवायती स्टाइल नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ तो मैं बड़े सीरियस मूड में बोलता हूँ और बात करता रहता हूँ। मुझे आज आपसे जो सबसे ज्यादा सीखने को मिला है, इंग्लिश सीखने को मिली या ना मिली, मुझे ये बात सीखने को मिली है कि मूड कुछ इस तरह का रखे बात करते हुए कि अगला बंदा हर सूरत में आपकी बात सुने, मतलब वो सुन ही लेगा। जब आप मेरी तरह हाँ से बैठे होंगे तो फिर वो थोड़ा सा सुनने के लिए उकता जाएगा। बहरहाल आई अप्रिशिएट यू, और मुझे बहुत बहुत जी बहुत अच्छा लगा है। और ये जो सामने आपके कमेंट्स शो हो रहा है ना, जी ये बहुत, नेचर जी, ये जो कमेंट शो हो रहा है, ये अकबर हुसैन मियो साहब हैं। बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, इनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, रिटायर्ड हैं किसी सरकारी महकमे से, और बहुत ग्रेट इंसान है। मैं खुद इनका इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, इनसे बातचीत हो चुकी है। इनके वर्ड्स हैं ये आपके बारे में, आप इनको पढ़ के की आपको पब्लिक। खुशी खुद होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बार बार मेरा एक ही बात पे फोकस है कि हिना कब इंग्लिश वाली बन के और यूट्यूब चैनल बना के, चलो यूट्यूब चैनल बना के, आपको जो लगता है ना क्वालिटी, क्वालिटी क्या चीज होती है? क्वालिटी ये है जो इस टाइम सामने बैठी है, ठीक है? हिना खुद एक क्वालिटी का नाम है। हिना के लफ्जों की नाम क्वालिटी नहीं है, हिना के मतलब व्हाइट बोर्ड का नाम क्वालिटी नहीं है, हिना के मार्कर का नाम क्वालिटी नहीं है, हिना की जुबान का नाम क्वालिटी है, हिना का नाम क्वालिटी है। जब हिना की वीडियो यूट्यूब पे आएगी तो रिजवान जरूर देखेगा, अकबर हुसैन मियो 60 साल का बुजुर्ग भी जरूर देखेगा, ठीक है? इतने सारे कमेंट्स जो मैंने शो किए हैं वो सब देखेंगे, ठीक है? उनको जरूरत है हिना इंग्लिश वाले की, ठीक है? तो क्वालिटी क्या चीज है? क्वालिटी ये है कि आप जो बोलती हैं उसको बस उठा के डाल दें यूट्यूब पे। अब ही मतलब ही ना, मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूं। अब लॉकडाउन में आपने पूछा ना कि आपने लॉकडाउन में क्या किया, मैंने लॉकडाउन में जब फ्री था, कोई और केमिकल कहीं से मिल नहीं सकते थे, मैंने लॉकडाउन में लोगों को टमाटर का पाउडर बनाना सिखा दिया, टमाटर का केचप बनाना सिखा दिया, टमाटर का पेस्ट बनाना सिखा दिया, टमाटर का सिरका बनाना सिखा दिया, जामेश्री बनाना सिखा दिया, रूह अफ़ज़ा बनाना सिखा दिया, इलायची का शरबत बनाना सिखा दिया, उसके बाद मैंने लहसुन का पाउडर बनाना सिखा दिया, प्याज का पाउडर बनाना सिखा दिया, मैंने लोगों को सब्जियां सुखाना सिखा दी, ठीक है? तो मतलब इतने सारे काम सिखा दिए, क्वालिटी किसी चीज में भी नहीं। आप मेरी मेरा अपना यूट्यूब चैनल है ग्लोबल टास्क के नाम से, आप उस पे जाके देखें, कहीं पे व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं है, कहीं पे कोई एडिटिंग नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, ठीक है? अम्मा जी पाँव फैला के लहसुन काट रही थी, मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी, ठीक है? अम्मा जी प्याज काट रही थी, मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी, और उनसे मतलब बातचीत भी हुई, वीडियो भी बनाई और साथ में उठा के वीडियो डाल दी। क्वालिटी क्या चीज है? क्वालिटी जब तक हम सोचते ही रहेंगे काम कब होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हीना जब आज मतलब मैं क्योंकि हीना से इतना इंस्पायर हूं, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं मतलब मुझे खुद पता लगे कि यार आज के मेरे इस इंटरव्यू का बहुत बड़ा मकसद था। रोजर गाजर रोजर मेरे तो हुआ है ना, पटेल का ब्रांड ब्रांड और ये हमजा शब्बी ब्रांड ब्रांड, एक लव एक गुरु है मेरा, इन दोनों ने मुझे ब्रांड कॉन्शियस बना दिया, वरना मेरे लाइव देखे देखें, मैं तो मुंह भी नहीं धोती, मैं फौरन आ जाती। आपने कहा ना कि मुझे मेकअप करना नहीं आता, आप गुड लुकिंग है, कोई जरूरत नहीं। क्या क्वालिटी? मेकअप में क्वालिटी थी? नहीं। तो इसी तरीके से हीना एक क्वालिटी है, बस मैं आज आपको बता रहा हूं, ठीक है? शाहिद हुसैन जोया का कभी आपने नाम सुना है?
शाहिद हुसैन जोया। ओहो, फिर आपने कुछ भी नहीं सुना दुनिया में। नहीं, मकसद सुना ही है। ये है, मकसद ये है कि शाहिद हुसैन जोया के कमोबेश 5 लाख सब्सक्राइबर हैं और वो सिर्फ बिजनेस पे बात करते हैं, बिजनेस आइडियाज देते हैं, अच्छा ठीक है। और वीडियो जब बनाते हैं बिल्कुल सादा, ठीक है। कभी आज तक उन्होंने मतलब कैमरा स्टैंड या माइक या मतलब कोई भी चीज यूज नहीं की, सिंपल कहीं पे भी खड़े होते हैं, एक छोले वाली रेडी के पास जाके खड़े हो जाते हैं, वहीं पे वीडियो बनाते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया, और ये जी रेडी इतने की आई है, फलां इतने के आए हैं, पतीले इतने के आए हैं, तो लो जी ये काम हो गया। और उनके आप वीडियो देख लें, आपको मतलब 5-5 मिलियन व्यूज मिलेंगे। आप क्वालिटी की बात करती हैं, आप कभी जाके ना शाहिद हुसैन जोया को देखें और उसकी वीडियोस पे व्यूज देखें, ठीक है, और फिर आपको समझ में आएगी कि रिजवान फैक्ट्री वाला ने क्या बात की थी, ठीक जी चाला हो है। जाएगा तो आपको जिसने भी कहा ना क्वालिटी का, उसको भूल जाएं, क्वालिटी हीना है, बस एक ही बात आज। माइंड में रख लें कि हीना सबसे बड़ी क्वालिटी है। और हीना आज से यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू करेगी, क्योंकि जब तक आपको क्वालिटी की जरूरत पड़ेगी ना, आपको 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए हैं, आपको 4,000 घंटे, उसको 60 से मल्टीप्लाई करें मिनट निकलेंगे, ठीक है, 4,000 घंटे आपको वॉच टाइम चाहिए। इस टाइम तक, इतने टाइम तक पहुंचते पहुंचते आपके पास व्हाइट बोर्ड भी आ जाएगा, मार्कर भी आ जाएगा, पेंट कोट भी आ जाएगा, आपका स्कार्फ भी आ जाएगा, मेकअप भी आ जाएगा, सारा काम आ जाएगा, ठीक सही है। बात है। तो उस वक्त तक जब आपको क्वालिटी चाहिए होगी ना, तब तक आपके पास सारा कुछ आ जाएगा। पहले आप लाइन पे तो आए, लोगों को बताएं तो सही, हिना कमल भी यूट्यूब पे है, हिना कमल फला चीज है, मुझे आपका सारा, मैंने ना वो डिटेल जो आपने लिख के मुझे सेंड की, मैंने सारी की सारी सब्सक्रिप्शन में लगा दी है, और मैंने दोनों के दोनों लगा दी है कि मिशन क्या है, एक्शन प्लान क्या है, फला क्या है, मुझे दोनों ही अच्छे लगे, मैंने डबल करके लगा दिया, ठीक है। लेकिन कहीं पर लिखा हुआ था कि हिना कंवल का यूट्यूब चैनल, उसमें एक चीज मिस है, ठीक है, कि हिना का यूट्यूब चैनल ये है, हिना का फेसबुक पेज ये है, ये चीज क्यों नहीं लिखी हुई थी, ये चीज मिसिंग है, ठीक है। हिना करना क्या चाहती है, हिना मतलब लोगों को इंग्लिश सिखाना चाहती है, लोगों को ये उसका इमेज, तो ये जो है इसमें मिसिंग था। अब आज के बाद ये जो लास्ट मतलब नाइट में जो हमारा इंटरव्यू हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि आज इस टाइम के बाद आपका कोई इंटरव्यू करेगा, लेकिन जो भी आपका नेक्स्ट इंटरव्यू करे तो उसमें ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि हिना का यूट्यूब चैनल फला है और उसमें हिना लोगों को ये सिखाती है। और ये सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम हिना के फैन हुए, हम चाहते हैं कि हिना के और बहुत सारे फैन पाकिस्तान में पैदा हो जाएं। जो आपने फिगर बताया ना मुझे, वो जो 3%, मुझे बड़ा दुख हुआ, और उसको हिना का जो स्टाइल है, आप यकीन करें, यकीन करें, आपको समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है, आपके उस्तादों को पता नहीं समझ आई कि नहीं आई, मुझे समझ आ रही है कि हिना इस स्टाइल में बोलती रहेगी, लोग इंग्लिश सीखते रहेंगे, ठीक है। हाँ अब जी, रात के 1:45 पे अब वकील मोहियुद्दीन साहब कह रहे हैं जी यू आर ग्रेट, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है। अब आप ये देखें जी, अकबर मियो साहब, मतलब फिर आपको माशाल्लाह, ग्रेट पीपल्स एंड सर्विस, ठीक है जी। अकील मोहियुद्दीन साहब आपको कह रहे हैं जी स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग, सोचना छोड़े, खुदा का वास्ता करना शुरू करें, ठीक है जी। तो आज फिर ये कहते हैं जी योर कंटेंट इज क्वालिटी, जो आप बोल रही हैं भाई यही तो क्वालिटी है हिना, अब और कुछ रह गया कहलवाने के लिए, या अब आपका यूट्यूब चैनल बन रहा है और यूट्यूब पे अब मतलब हिना मुझे नजर आएगी। सब सबसे पहला सब्सक्राइबर मैं आपका हूं, आप यूट्यूब चैनल बनाए, सही है, सही है। चले एक्शन इज मोर देन वर्ड। अब काम बोलोंगे नहीं, अब काम होगा इंशाल्लाह। एंड वो गुड। कहते हैं ना कि इंसान की जिंदगी में एक टर्न आता है, तो वो कैसा होता है? तो मेरी जिंदगी का जो टर्न होगा ना, मुझे नहीं पता फ्यूचर में मेरा क्या है, लेकिन मैं जब भी फ्यूचर होगा मैं बोलूंगी मुझे पिच करने वाला सिर्फ एक रिजवान फैक्ट्री वाला था, और उस बंदे ने मेरा इंटरव्यू लेकर मेरी जिंदगी तब्दील कर दी। वरना मैं सोचती कि
यूट्यूब चैनल और इन सब में क्वालिटी क्वालिटी के पीछे मैं भाग रही थी, और मैं दूसरों की दूसरे नहीं, वो मेरे अपने हैं, ठीक है। तो मेरे गुरु प्रवीण पटेल, जिन्होंने मुझे इंटरनेशनल ऑथर और ये सब किया, वो मेरी टीचिंग